कुछ भी कर दीजिए, जिससे इसमें जो फूल होता है इंक वो बाहर निकल जाता है, आपके पावर सप्लाई में चला जाएगा, आपके बोर्ड पे चला जाएगा, हेड पे चला जाएगा, तो आपका नुकसान हो सकता है, हो सकता है पावर सप्लाई के अंदर जाए। ये होता है यहाँ पे पावर सप्लाई, यहाँ पे वेस्ट पैड होता है, तो अगर इसको आड़ा टेढ़ा करेंगे चाहे तिरछा करेंगे तो ये इसमें आके इंटर कर जाएगा, तो फिर ये शॉर्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। चाहे ये होता है मेरा नीचे का मोटर जो है, इसमें भी हो सकता है कि आ जाए, इसमें भी शॉर्ट करने का चांस है। चाहे यहाँ बोर्ड होता है, इसमें भी अगर चला गया तो यह भी शॉर्ट होने का चांस रहता है। तो इस हिसाब से आप पहले चेक कर लीजिए कि मेरे प्रिंटर में ओवर ये इंक पैड फुल तो नहीं हो चुका है, नहीं तो इसको ऐसे ही करके आप इस तरह से ऐसे ही खोलेंगे और साइड से स्लाइड करके इसको निकालेंगे बाहर करके, उसके बाद से आप इसको मतलब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लगा रहता है, ये पेपर रोल होता है, ठीक है, एक साइड ये घूमता है एक साइड नहीं घूमता है, तो इसको हम चेक कर ले रहे हैं। ये देखिए ये हल्का टाइट मतलब घूमना चाहिए, हल्का टाइट होके घूमना चाहिए, अगर ज़्यादा अगर वो टाइट हो गया है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इससे भी आपका ज़्यादातर पेपर जाम की समस्या यहाँ से आती है, ये ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। इस मॉडल हो गया, जैसे कि ये मॉडल आपका मानिए L130 है, तो 80 जो 380 320 220 और 360 जो आते हैं सेम प्रिंटर है, केवल ऊपर का स्कैनर आपके पे इस पर नहीं है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले पेपर जाम कंडीशन में ये चीज़ ज़रूर चेक करना चाहिए। सबसे पहले आप खोल के इसको अच्छे तरह से साफ़ सफाई कर दीजिए, साफ़ सफाई करने के बाद से इसको ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है, पेपर जाम क्यों आ रहा है, ठीक। इसको हम लगा दिए, पुश कर दिए, आराम से पुश करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। इस पे आता है एक स्प्रिंग, इसको आप आराम से ऐसे पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं,